हेलो फ्रेंड्स, आई एम पार्थ संघानी। दिस इज माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फंडा बाय पार्थ सर। तो आज हम कुछ कैलकुलेटर की ट्रिक्स लेकर आए हैं, नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर जो कि आपको बोर्ड की एग्जाम्स में यूज करना है। आप बोर्ड की एग्जाम पे ये यूज कर सकते हैं। जी नीट की भी कुछ ट्रिक्स है बिना कैलकुलेटर की, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। बाद में उसका कुछ वीडियोज हम बनाते हैं, पहले बोर्ड की एग्जाम के लिए नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर के कुछ ट्रिक्स है, इसे हम देखते हैं। नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर ट्रिक फॉर लॉग, लॉगरिथम। लॉग निकालने के लिए नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे यूज करें? 2 या 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, जबकि लॉग टेबल में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो एग्जाम में इसी ट्रिक को यूज करें। अब कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले जो डिजिट जिसका लॉग निकालना है वो डिजिट लिखें, उसके बाद 13 टाइम्स रूट, ये रूट वाली साइन जो कैलकुलेटर में होती है उसको 13 टाइम्स प्रेस करें। उसके बाद -1 करें, उसमें से -1 को निकाल दें, सब्सट्रैक्ट कर दें और मल्टीप्लाई टू 3558 से उसको मल्टीप्लाई करें। ऐसा करने पर योर आंसर इज रेडी। लास्ट में इक्वल टू प्रेस कर दें, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करता हूँ। 15625, इसका हमें लॉग निकालना है। तो कैसे करें? तो सबसे पहले नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर यहाँ पे है। नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर में पहले तो इसको प्रेस करें, किसको? 15625। तो नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर में 15625 आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, या फिर थोड़ा पास ले लेता हूँ, ऐसे 15625 नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर में। इसको लगाने के बाद डिजिट लगा दिया, उसके बाद 13 टाइम्स रूट, तो यहाँ पे रूट की साइन है, उस साइन को 13 टाइम्स प्रेस करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 13 टाइम्स प्रेस करने के बाद -1 करें, इक्वल टू कहीं प्रेस नहीं करना है, माइनस करके 1 कर दें। अभी भी इक्वल टू प्रेस नहीं करना है, मल्टीप्लाई प्रेस करके 3558, तो ये मल्टीप्लाई की साइन और 3558, लास्ट में इक्वल टू प्रेस करें, आंसर आया 4.196। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, पूरी प्रोसेस करने के बाद जो आंसर आया वो 4.196। तो ये आपका आंसर हो गया और आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। 3 सेकंड का काम है, बहुत आसानी से लोग निकल जाता है, जबकि लॉग टेबल यूज करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। शायद कभी एग्जाम में लॉग टेबल दिया हो ना दिया हो, कहीं ज़रूरत पड़े तो इस ट्रिक को हम कैलकुलेटर से यूज़ कर सकते हैं। अगेन एक बार बोल देता हूँ, जो डिजिट है वो डिजिट 13 बार 13 टाइम्स रूट वाली साइन प्रेस करनी है, इक्वल टू प्रेस किए बगैर -1, इक्वल टू प्रेस किए बगैर मल्टीप्लाई 3558 और लास्ट में इक्वल टू प्रेस कर दे, योर आंसर इज रेडी। तो ये एक ट्रिक है, इसको अच्छे से नोट करें। इसका 5th स्टेप लिख सकते हैं, क्या प्रेस करना है? इक्वल टू की साइन। तो ये 5 स्टेप में हो जाएगा, वैसे स्टेप 5 है लेकिन काम 2 या 3 सेकंड का ही है, इसको अच्छे से नोट करें। सो गाइज, उसके बाद यहां से और एक मेथड यहां पे है, नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर ट्रिक फॉर एंटी लॉग। हमें एंटी लॉग का निकालना है, एंटी लॉग निकालना है किसी का, तो उसके लिए नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या ट्रिक यूज की जा सकती है? अभी अभी हमने लॉग की देखी, अब एंटी लॉग की। उसके भी कुछ स्टेप्स है। 1st स्टेप, डिजिट टाइप करें। मान लो एक एग्जांपल में लेता हूँ 1.5, तो 1.5 केल्सी में टाइप करें। डिवाइड बाय 3558, उसमें डिवाइड की साइन प्रेस करके ये डिजिट लिख दें 3558। ये 3558 और 1 ये कॉमन है, ये सब में आएंगे, ये प्रोसेस के है, तो ये तो सब में आने ही वाला है। ये 13 टाइम्स भी कॉमन है, ये डिजिट ही सिर्फ जिसका निकालना है वो है, बाकी तो पूरा एल्गोरिथम ही फॉलो करना है। तो उसको करने के बाद +1 करें, +1 कहीं भी इक्वल टू प्रेस करने की ज़रूरत
नहीं है। उसके बाद लास्ट में मल्टीप्लाई इक्वल टू की साइन प्रेस करते जाए, कितनी बार, 13 टाइम्स, एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे प्रेस करते जाए। मैं आपको एक डेमो देता हूँ। 1.5 का हमें निकालना है, तो सबसे पहले कैलसी जिसमें ज़ीरो है उसमें स्टार्ट करते हैं 1.5। उसके बाद उसमें डिवाइड बाई 3558, तो डिवाइड की साइन प्रेस करें 3558, इक्वल टू प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्लस वन, तो प्लस वन। उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू की साइन 13 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह एंड 13। आंसर आया 3159। तो उस आंसर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर मुझे मिला 3159। इस आंसर को आप एंटीलॉक टेबल में वेरीफाई कर सकते हैं। आंसर में थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा, नेग्लिजिबल मतलब जिसको हम जाने दे सकते हैं, ठीक है, इतना चलता है। एग्जाम में ये आप श्योरली यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है। अब आपको क्या करना है, लॉग वाली मेथड के 5 एग्जाम्पल कैलकुलेटर से करें, लॉग टेबल से करें, दोनों को कंपेयर करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके बाद एंटी लॉग वाली मेथड के 5 कोई भी रेंडम एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हैं, कोई भी 5 एग्जाम्पल, पहले कैलकुलेटर से करें, उसके बाद लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल से करें, दोनों को कंपेयर करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। सो गाइज, आई एम पार्थ संघानी, दिस इज माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स फंडा बाय पार्थ सर। आपको अगर ये मेथड अच्छी लगी, आपको अगर चैनल अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ऐसी बहुत सारी मेथड मैं अपलोड करने वाला हूँ, कुछ कुछ NCERT बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए, CBSE कोई भी बोर्ड हो उसकी एग्ज़ाम के लिए यानी कि कैलकुलेटर वाली मेथड, और कुछ मेथड्स जिसमें कैलकुलेटर का यूज़ नहीं होगा, हम अपने आप कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वैदिक मैथ्स से कर सकते हैं, वैसी मेथड भी मैं, जो कि GNEET में बहुत IMP है, उसको भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। सो थैंक यू।